दोस्तों यहां से सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा लें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं खुफिया विभाग भर्ती के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, क्या एग्जाम सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले आप यहाँ पर इसका एग्जाम सिलेबस देख सकते हो। टीयर वन, टीयर सेकंड, टीयर थर्ड रिटर्न एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू है फर्स्ट में, और सेकंड में डिस्क्रिप्टिव टाइप एंड स्पोकन एबिलिटी है। टीयर थर्ड में इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट टीयर वन एग्जाम पैटर्न देख सकते हो। जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स दिए हुए हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स है। लॉजिकल या एनालिटिकल एबिलिटी के लिए 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स है। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, 100 मार्क्स है और टाइम इसका 120 मिनट है। उसके बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट टीयर सेकंड के लिए एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हो। सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। मार्क्स 40 है, 10 मार्क्स है, 50 मार्क्स है, 60 मिनट का टाइम है और 1 घंटे का टाइम है टोटल। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव टीयर थर्ड एग्जाम पैटर्न देख सकते हो। इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस देख सकते हो आप। डिटेल्स में आपको यहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा। लॉजिकल या एनालिटिकल एबिलिटी, इसमें आप पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दिया हुआ है, इसको भी डिटेल्स में आप यहाँ से रीड कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके भी आप ये रीड कर सकते हो, नहीं तो हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के लिए आप देख सकते हो। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 27 वर्ष है। दोस्तों इसकी रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी के लिए आपको यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पूरी जानकारी रीड कर सकते हो। इसी के अंदर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की टैब मिल जाएगी, उस टैब पर क्लिक करके आप इसकी नोटिस डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी आपको इसी लिंक के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।